दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल गफूर बिवरेजेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ओन अब्बास है और आप देख रहे हैं मकसद न्यूज़ का प्रोग्राम अब आपके साथ। नाज़रीन, आज हम डिफरेंट तलबा से जाकर बात करेंगे कि आखिर जो गवर्नमेंट और डिफरेंट टेक्निकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ये फैसला था ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वालों के फिजिकल पेपर होंगे, तलबा इसके बारे में क्या आपने कमेंट्स देना चाहेंगे, आज चल के हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? फसी यूसुफ। अच्छा सर, ये बताएं कि अपना सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं कि भाई हमें फिजिकल पढ़ाएगी और ऑनलाइन पढ़ाएगी और हमारे फिजिकल पेपर लिए जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाया तो पेपर भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो मतलब आप नहीं चाहते फिजिकल पेपर, ऑनलाइन पेपर में कहते हैं चीटिंग होती है, फ्यूचर जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनका फ्यूचर आगे तबाह। नहीं, ये देखें, अगर फ्यूचर की बात है तो ऑन कैंपस बुला के भी तो फिर बात उधर ही आ गई, लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ना पहले कैंपस में बुला के अपना क्लासेस लेनी चाहिए, उसके बाद आप पेपर लेनी, ये एक मतलब अच्छा वे है। अच्छा, तो फिर आप अपना गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, शफकत महमूद साहब से क्या मुतालबात होंगे आपके? मेरे मुतालबात ये होंगे कि अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें और कुछ ऐसा मतलब शेड्यूल लाएँ जिससे स्टूडेंट्स को भी मतलब ज़रा थोड़ा इत्मीनान मिले और ये जो अपना सुसाइड की रेशियो है ये भी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ये इस चीज़ में एंगजाइटी बहुत है। अच्छा, तो आप क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या पढ़ने वाले नहीं आप? साधारण स्टूडेंट तो हर स्टूडेंट ही पढ़ने वाला होता है, ये तो स्टूडेंट का मतलब ही पढ़ना होता है। पढ़ने वाले नहीं है, और फिर आप मुझे भी अपना कैसे समझ सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं BSc केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, कहाँ से? UET लॉ से। अच्छा, तो आपका अच्छा खासा उसमें एग्रीगेट होगा, आपने वहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अभी भी आप कहते हैं कि पेपर ऑनलाइन हो फिजिकल ना हो। हाँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3GPA था पहले सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में फिर यही हार्ड लक हुई कि क्लासेज ऑनलाइन हुई थी और फिर पेपर के टाइम कैंपस जाना पड़ा, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आया। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अब आप अपनी अगर आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं तो आपकी जो GPA है वो उसे आप इम्प्रूव कर लेंगे, अगर फिजिकल हो तो जो आपकी GPA हो क्या वो कम हो जाएगी? देखिए ना, अगर फिजिकल लेने हैं तो आप अपना पहले कुछ पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन में वो ना स्टैंडर्ड होता है ना वो होता है, और भी बहुत सारे लाग इश्यूज होते हैं, तो बेहतर ये है कि पहले आपको कैंपस में बुलाना चाहिए उसके बाद। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो क्या आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं देती? नहीं देती। एज अ फिजिकल क्लासेस अगर कंपेयर किया जाए तो क्या चीज़ उसमें कमी आ जाती है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है और एक जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है पूरा, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन सब चीज़ों को हमें नज़र में रखना होता है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। सर, अभी इतना इस्तेमाल में शोर हो रहा था कंस्ट्रक्शन और इस बात आप बैठ के फिर भी पढ़ और लिख रहे थे, तो आप पेपर फिजिकल हो रहे हैं, इस बात में आपको कितनी खुशी है? मैं बहुत खुश हूँ कि पेपर फिजिकल हो रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होगा जो मेरी तरह पढ़ने वाले लाइक स्टूडेंट जो अपनी मेहनत करके पास होते हैं वो मेहनत करके पास हो जाएंगे, वरना ऑनलाइन एग्जाम के अंदर तो क्या होता है कि लोग चीटिंग करते हैं, नेट से गूगल से लैपटॉप सारा पेपर लेकर अटैम्प्ट कर देते हैं और GPA लेते हैं। तो ये बताएं जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो क्या आपको मैक्सिमम आउटपुट देती? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आउटपुट देती है, उनमें कुछ समझ नहीं आती, किसी का नेट अवेल नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा इशू का सामना करना। अच्छा अच्छा, तो दूसरा आप जो फिजिकल पेपर होंगे तो उनमें आपने काफ़ी कुछ नई भी शायद पढ़ा हो, क्योंकि मैथ की क्लासेज दूसरी मतलब और कई ऐसी क्लासेज हैं, उन्हें आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, टाइम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें? नहीं, अलहमदिल्ला मैंने स्टार्ट से अपनी सारे तैयारी रखी है और ऑनलाइन भी सीखा, मेरा खुद भी घर बैठ के काफ़ी कुछ सीखा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पेपर अच्छे। सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद माज। अच्छा, ये बताएं कि जो पेपर है वो कर दिए गए फिजिकल, क्लासेज ऑनलाइन में, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें हमारा ये कहना है कि हम इस वे पे बहुत गुस्से हैं और हमें अपना सब्जेक्ट का भी नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है, और हमने सब्जेक्ट का नहीं पता आपने कौन से सब्जेक्ट का नहीं पता। अच्छा, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की हैं तो मैं भी हाथ में रहता हूँ, मुझे नेट आता है तो उसकी वजह से मैं नहीं अपनी स्टडी कर पा रहा, जिसकी वजह से मुझे लेकर मुझे फेल कर रहे हैं क्लासेज में, बरए मेहरबानी से इसको ठीक किया जाए। तो जब आप बात तो सुन लें, बात तो पूरी सुन लें, इधर तो इधर तो
नाज़रीन जब लोगों को सब्जेक्ट का पता नहीं होगा वो उनने तो ये बहाना बनाना है कि उनके पास जो नेट है वो आएगा 2G और जो पेपर हो रहे हैं फिजिकली तो बहुत सही हो रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहाना आ जाता है। मैंने जब इनसे पहले पूछा कि सब्जेक्ट होगा इन्हें नाम नहीं आता था, मैंने पूछा आपको नहीं आता, उनने कहा वाकई नहीं आता, फिर उनने कहा कि भाई अपना मेरा 2G आता है ये वो ये बहाने हैं। तो गवर्नमेंट अगर फिजिकल पेपर ले रही तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत सही करे। तो जी नाज़रीन कुछ तुलबा का कहना था कि फिजिकल पेपर सही है ताकि हमारे जो हम मेहनत करते हैं उसमें हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं फिजिकल पेपर में, नहीं तो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। और कुछ का कहना था कि उनका आगे जो ऑनलाइन में उन्हें कुछ समझ नहीं और फिजिकल पेपर उन्हें फेल ही करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान ऑन अब्बास को दीजिए इजाजत। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल गफूर बिवरेजेस।